हेलो एवरीवन, आज का यह वीडियो है जो बहुत स्पेशल बनने वाला है क्योंकि मैं आज अपने ही गांव का वीडियो लेकर आया हूं। सोन बराज इंद्रपुरी का वीडियो लेकर आया हूं जो बिहार में इंद्रपुरी के पास है। आप लोग देख सकते हैं कि यह बराज कितना दूर में फैला हुआ है, कितना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का जल जमाव कितना है। इस नदी में सालों भर पानी भरा रहता है। इस पुल में 79 गेट हैं। यह नहर हमारे गांव की तरफ जाता है जिसमें इतना पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह नहर डेहरी सासाराम, यह नहर आसपास के गांवों में सिंचाई के लिए जाता है जिसमें कितना पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। जिन गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है वहां पर खेती करने के लिए नहर ही एकमात्र स्रोत है, नहर ही एकमात्र स्रोत है सिंचाई करने के लिए। नहर को बंद करने के लिए यहाँ पे गेट भी बनाए गए हैं। अब हम यहाँ से आगे चलने पर हमें नियंत्रण कक्ष दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इस नहर में पानी का धार कितना तेज है। आप देख सकते हैं कि यह दृश्य कितना सुंदर है जिसमें छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जिसमें चारों तरफ फूल पौधे लगाए गए हैं। अब मैं सोन नदी की तरफ जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि सोन नदी में पानी का धार कितना तेज है। इंद्रपुरी डैम पर लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यह दृश्य कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था और इसे चालू किया गया 1968 में। दुनिया का चौथा सबसे लंबा बराज है इंद्रपुरी। यह 8 जिलों का जीवन रेखा है। नदी का किनारा और ताजी हवाएं और मन को सुकून चाहिए तो चले आइए इंद्रपुरी डैम। आप लोग यहाँ पे पानी का हाइट चेक कर सकते हैं कि पानी का लेवल कितना है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं और फोटो सेल्फी खिंचवाते हैं। अब मैं नियंत्रण कक्ष में जा रहा हूँ जहाँ पे सोन बराज इंद्रपुरी का डिजाइन बनाया हुआ है, मैप बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया हुआ है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। यह रास्ता बारून की तरफ जाता है, यह आम रास्ता नहीं है। इस नदी के रेते भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। मैं बता दूं कि इस नदी का नाम सोन क्यों रखा गया, क्योंकि इस नदी का जो बालू है वह पीले रेत के जैसे चमकते हैं, जो सोने की तरह चमकता है। सोन नदी मध्य प्रदेश से होकर अमरकंटक के पास नर्मदा नदी झारखंड और बिहार के पहाड़ियों से गुजरता हुआ सोन नदी पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि सोन में पानी का धार कितना तेज है। यहाँ पे मछली मारने का प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। मछली मारने के लिए यहाँ पे नावों का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि मेरे भैया लोग समुद्र में नावों पे घूम रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वे लोग नाव को लेकर समुद्र के बीच में चले गए हैं और वहाँ पे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मोबाइल से फोटो शूट कर रहे हैं वे लोग। नदी का किनारा और ताजी हवाएं, हम मन को सुकून चाहिए तो चले आइए इंद्रपुरी डैम। लोग दूर दूर से आकर समुद्र में नावों पर घूमते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।